बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 में हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। शेर नंबर 4 है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया फरियाद को कहते हैं, बेसबब बेवजह। इंसानी ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इंसानी ज़िंदगी ख्वाहिशात का मजमूआ होती है। हर इंसान के दिल में बेपनाह ख्वाहिशात होती है। इंसान को ये भी मालूम होता है कि उसकी ख्वाहिशात ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो उन्हीं ख्वाहिशात के सहारे ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारता है। लेकिन जब उन ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इंसान को दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलता। शायर भी इसी किस्म की कैफियत से निबर्दाजमा है। वो कहता है कि मेरे दिल की मौत हो चुकी है, मेरे दिल से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रुखसत हो चुकी है। वो ख्वाहिश जिसके सहारे मैं ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजार रहा था, आज उस ख्वाहिश का ख़ात्मा हो गया। तो मेरी आंखों में आंसू है और मेरे लबों पर फरियाद है। तो ये बेसबब नहीं है, ये बेवजह नहीं है। ये जो मेरी आंखों में आंसू है, ये बेवजह नहीं है, बल्कि मेरे दिल की मौत हो चुकी है। मैं एक ख्वाहिश के सहारे ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजार रहा था, लेकिन आज उस ख्वाहिश का ख़ात्मा हो गया। तो इसलिए मैं फरियाद भी कर रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू भी है। शेर नंबर 5 है, हौसला शर्त इश्क है वरना, बात का किसको डब नहीं आता। डब तरीक़ा को कहते हैं। शर्त इश्क, इश्क का शर्त। शायर कहते हैं कि इश्क के लिए जो पहली शर्त है वो है हौसला। हौसला इश्क में नहायत ज़रूरी है। और फिर इश्क की कवायद व ज़वाबित जो इसके लिए बनाए गए हैं, जिन पर चलकर एक आशिक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो शायर कहते हैं कि मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, हाल दिल बयां कर सकता हूँ, महबूब से हम कलाम हो सकता हूँ, मुझे बात करने का तरीक़ा मालूम है। लेकिन इश्क के कुछ कवायद व ज़वाबित है जिनकी पासदारी करते हुए मैं चुप हूँ, कि कहीं अगर मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाए जिनसे महबूब की बेअदबी हो। और मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे और महबूब के दरमियान जो ताल्लुक इस्तवार है उसमें फ़र्क ना आ जाए, उसमें कमी ना आ जाए। तो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं बात करने का तरीक़ा जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए जो शराइत व ज़वाबित है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ और चुप हूँ। शेर नंबर 6 है, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ता बलब नहीं आता। जी से मुराद दिल, हमदम साथी को कहते हैं, सुखन शायरी को कहते हैं, ताबलब यहाँ हम मरते दम तक भी मुराद ले सकते हैं और होंठों तक भी हम मुराद ले सकते हैं। वही बात जो शेर नंबर 5 में शायर ने कही है, वही बात दोबारा दोहराता है शायर के, मेरे दोस्त, मेरे दिल में तुम्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं हाल दिल बयां कर सकता हूँ, महबूब से हम कलाम हो सकता हूँ, मैं हम कलाम होने का तरीक़ा जानता हूँ, चूँकि मैं एक शायर हूँ।
तुम्हें शायरी के ज़रिए भी महबूब से हम कलाम हो सकता हूँ। मेरे पास अच्छी शायरी भी है जिन्हें मैं महबूब तक पहुँचाना चाहता हूँ और महबूब तक पहुँचा भी सकता हूँ, लेकिन मैं महबूब से हम कलाम नहीं हो सकता क्योंकि यही इश्क का तकाज़ा है। मैं डरता हूँ कि कहीं महबूब नाराज़ ना हो जाए और मेरे और महबूब के दरमियान जो ताल्लुक इस्तवार है वो उसमें फ़र्क ना आ जाए। मैं ये बातें अपनी ज़बान तक नहीं ला सकता क्योंकि बाज़ बातें ऐसी होती है जो अगर ज़बान पर आ जाए तो क़यामत आ जाए। गज़ल का आखिरी शेर है, दूर बैठा गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। गुबार गर्द को कहते हैं, बिन बग़ैर अदब एहतराम को कहते हैं। मक्ता में शायर कहता है कि मैंने जो अदब व एहतराम सीखा है ये मैंने किस सी सीखा है, फिर बताता है कि ये अदब व एहतराम मैंने अहले इश्क से सीखा है, इश्क करने वालों से मैंने अदब व एहतराम सीखा है। क्यों? क्योंकि इश्क में अदब व एहतराम नहायत ज़रूरी है और ज़रूरी है कि इश्क के कवायद व ज़वाबित की पासदारी की जाए। इश्क के लिए जो कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं उनकी पासदारी की जाए, क्योंकि उनकी पासदारी करते हुए एक आशिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो इश्क का तकाजा ये है कि हसीन चीज़ों से दूर रहो। मिसाल देता है शायर कि गर्दोगुबार भी हसीन चीज़ों पर पड़ते हुए डरती है कि कहीं उसकी चमक दमक में फ़र्क ना आ जाए। तो मैं जो महबूब से दूर बैठा हूँ तो ये उन्हीं कवायद की पासदारी कर रहा हूँ। शायर यहाँ अपने आप को गर्दोगुबार से और महबूब को एक हसीन चमकती हुई चीज़ से तशबीह देता है। कहता है कि मैं महबूब के करीब नहीं जाता, यही इश्क का तकाजा है, क्योंकि अगर मैं महबूब के करीब गया तो उसके हुस्न व जमाल में कमी ना आ जाए, उसके हुस्न व जमाल पर फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैं महबूब से दूर बैठा हूँ।